बाकी मैम ये है कि आपका स्कूलिंग कैसा रहा, स्कूलिंग टाइम का वो दौर कैसा था, मतलब कि स्कूलिंग एंड नहीं, ग्रेजुएशन। मैंने आपको जो बताया कि कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना जी और सीखना, जी ये जब मैं कह रही हूँ तो इसमें स्कूल भी शामिल है। हाँ जी। तो आप पेरेंट्स से ही इंस्पायर्ड रही क्योंकि उनको भी गाने का शौक था, तो और नहीं 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 गाने का शौक नहीं था, जी हाँ मतलब सुनने का शौक सुनने था। का शौक था, हाँ, या राइट। और माता पिता से तो हर बच्चा इंस्पायर्ड होता है। इंस्पायर्ड। अच्छा मैम, आपको कभी लगा, जैसे आपने बोला अभी कि आपके पिता डॉक्टर थे, फादर डॉक्टर थे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी उस तरफ रुख नहीं किया कि मुझे भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, देखिए संगीत की एक लॉ होती है, जी जल जाती है तो जल जाती है, जिस ओर लग जाती है तो वो मुझे लगता है दैट ओवर पावर्ड मी। क्योंकि जब हम एक खासकर लड़कियां जब हम ऐसी कुछ चीज़ें स्टार्ट करती हैं तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे आप इस तरीके का फॉर्म लेके आए, ये कहीं भी आया आपने होगा। जिनका उदाहरण दिया उन्होंने फिर उसके बाद जी मील का पत्थर ऐसा साबित कर दिया कि फिर लोगों को उनकी आवाज़ के लिए अनुरोध करना पड़ता था कि भाई आपकी आवाज़ वॉइस ओवर के लिए चाहिए। जी अभी अयोध्या में आपको शबरी का रोल लेना है तो उस पे आप क्या कहेंगी? तो ये एक संयोग है, पिछले साल भी इन्होंने मुझसे अनुरोध किया था जी। और ये कितना इत्तफाक है, देखिए भाग्य भगवान राम, तो इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने तब भी कहा था मैं शबरी करूंगी।